नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के स्टूडियो में हम बात करेंगे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के ऊपर दोस्तों, जहां पे अपर सर्किट लग रहा है दोस्तों और काफ़ी अच्छे दोस्तों वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रही है दोस्तों। न्यूज़ ही कुछ ऐसा है उसकी वजह से दोस्तों आ रहा है। और दोस्तों यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं आई है, वहाँ पे आगे क्या करना चाहिए और चार्ट के ऊपर जो ब्रेकआउट आया तो दोस्तों ये स्टॉक में कहाँ अब नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन लेवल है और टारगेट क्या हो सकती है उसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों। तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड अभी का दोस्तों अपर सर्किट में क्लोज है, 5.75% के दोस्तों तेजी है। स्टॉक ओपन हुआ 119.60 का, हाई बनाया 121.35 का, लो बनाया 118.55 का। क्वांटिटी हुई है 15,71,000 का, डिलीवरी क्वांटिटी हुई है 14,76,000, यानी 93.95% के दोस्तों तेज डिलीवरी परसेंटेज हुई है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे कि रिलायंस इंफ्रा और DML रिक्वेस्ट हाई कोर्ट, तो दोस्तों जो उनका पैसा फंसा था तो डायरेक्ट DMRC टू डिपॉजिट 6280 इनटू एस्क्रो अकाउंट विदाउट डिले, तो एक बहुत ही बड़ा दोस्तों निर्णय आया हुआ है और उसकी वजह से ही है। पूरा मामला आपको पता ही है कि 7,000 करोड़ के आसपास जो दिल्ली मेट्रो का प्रॉब्लम है, प्रमोटर के पैसे फंसे हुए थे और उसी के दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा फाइट हो चुका है। बट दोस्तों अब जो डिसीजन है उसका अगर रिजोल्यूशन आएगा 6208 करोड़ का, तो दोस्तों बहुत बड़ा बेनिफिट कंपनी को हो सकता है और बहुत ही ज़्यादा हो सकती है दोस्तों। और यही रीज़न था कि दोस्तों स्टॉक में थोड़ा सा तेज़ी बना हुआ है। और ये दोस्तों दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो DMRC केस है और दोस्तों यहाँ पे हियरिंग हुआ है और उसकी वजह से ही ये रिजल्ट आपको मिल रहा है दोस्तों। बट शेयर होल्डिंग पैटर्न में ऊपर देख ले तो प्रमोटर के पास 4.98 है, FII के पास 1.33 है और DII के पास अगर देखा जाए तो 5.06 है। बाकी दोस्तों पब्लिक के पास 88.43% का शेयर होल्डिंग है, जो हर बार दोस्तों बढ़ ही रहा है। और उसी के दोस्तों रीज़न है कि अब यहाँ पे आप देखेंगे रिटेल इन्वेस्टर के पास दिसंबर 2021 का जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग है, वहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे डेफिनेटली कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इंडिया का 2.68% का दोस्तों स्टेक है। बट इंडिविजुअल शेयर होल्डर अगर देखा जाए तो 7,52,556 के नंबर ऑफ शेयर होल्डर है और 33.1% का दोस्तों होल्डिंग है, यानी कि बहुत ज़्यादा होल्डिंग इनका इंडिविजुअल शेयर होल्डर का है। और दोस्तों HNI की बात की जाए तो 40.54% है, ऑलमोस्ट दोस्तों 10 करोड़ के आसपास के शेयर होल्डिंग है और यहाँ पे 8 करोड़ रिटेलर के पास है। तो बहुत ही बड़ी होल्डिंग दोस्तों, बहुत ही बढ़िया हाथों में नहीं बोल सकते दोस्तों कि बड़े इन्वेस्टर की यहाँ पे कमी है। बट अगर मिस्टर मैथ्यू का अगर देखें तो 1.22% है और शेरविन का दोस्तों 1.17% है और जयदीप समद 1.09% और केतन जी का है 1.61। तो ओवरऑल देखा जाए तो पब्लिक के पास थोड़ा होल्डिंग ज़्यादा है। तो दोस्तों ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जब दोस्तों स्टॉक ऊपर जाएगा तो दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और प्रीवियसली आप देखोगे कि दोस्तों पहले जो लेवल आ रहा था दोस्तों हमारे पास 105 का, वहाँ पे टच होता था नीचे आता था, फिर टच हुआ फिर नीचे आया, फिर टच हुआ फिर नीचे आया। यानी कि अगर आप देखेंगे तो पहला जो लो बना था 27 अगस्त 2021 का, वो लो था 58 रुपीज़ का, फिर दोस्तों लो जो बना वो 73 का बना और अब जो लो बना है दोस्तों वो 91 का बना। यानी कि हर बार स्टॉक अपर जो लो है उसका अब अपर की साइड के जा रहा है, तो स्टॉक में अब तेजी के आसार एक बनते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों। अब इम्पोर्टेंट लेवल है दोस्तों, 3 बार ये लेवल को ऊपर क्लोज नहीं आया था और अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अच्छी पॉजिटिव दोस्तों क्लोजिंग आई है वीकली चार्ट के ऊपर दोस्तों। और यहाँ पे अब 145 के से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है और वो भी बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, इतना 3-4 वीक का ही रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो चार्ट के ऊपर आपको दिख रहा है कि 145 का रेजिस्टेंस जो है वो 4 से 5 दिन ही टक टिका हुआ था और वीक में भी वही आ रहा है। तो दोस्तों 145 का लेवल अब जो दोस्तों हमारे पास है वो एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस के तौर पर है। बाकी दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो अब 121 से दोस्तों काफ़ी लंबी तय करनी है दोस्तों, कोई दोस्तों बीच में रेजिस्टेंस नहीं है। और स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं 103 का, जो प्रीवियसली दोस्तों उसको तोड़ने में दोस्तों बहुत बार उसने पॉजिटिवली क्लोज कर दिया बट दोबारा नीचे आ गया। यहाँ पे भी सेम देखिए, थोड़ा ऊपर आ गया, नीचे आ गया, यहाँ पे हाई गया और दोस्तों थोड़ा नीचे आया था रिट्रेसमेंट करने के लिए।
बट यहाँ पे दोस्तों बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ और पूरी ताकत के साथ दोस्तों गया है। वॉल्यूम थोड़ा सा कम है बट दोस्तों कंटिन्यूस अपर सर्किट है, इसकी वजह से वॉल्यूम नहीं मिला है हमें, वही रीज़न है उसकी वजह से वॉल्यूम नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों और तो अगर रिजोल्यूशन आते हैं तो स्टॉक में अपवर्ड जनरली बन सकती है। तो 103 के स्टॉप लॉस के साथ आप 145 का नेक्स्ट रजिस्टेंस है वहाँ पर कर सकते हैं, और जहाँ जैसे जैसे रिजोल्यूशन के नए न्यूज़ आते जाएंगे तो दोस्तों स्टॉक में और तेज़ी बन सकती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके आप इसमें ट्रेड एंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।